वी नीड जस्ट वन कैंडल, वी नीड जस्ट वन कैंडल फॉर टारगेट हैकर और वाट। 1:1.5 मिल चुका है गाइस, 1:1.5। ध्यान से देखो ऊपर टाइम फ्रेम है ना, जो 1 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग है ये, देखो 1 मिनट के अंदर। देखो अभी हमें इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा, 1% भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम अब इसको कोस्ट टू कोस्ट रख सकते हैं, ठीक है। ये देखो रिस्क रिवॉर्ड चेक करो इस ट्रेड का कितना है, पूरा 1:3, जहाँ 1:1.5 मिल चुका है, ठीक है। जस्ट आपके सामने ये एक कैंडल में और बन जाए ना बड़ी सर, फिर मज़ा आ जाए, टारगेट हिट हो जाए अपना। अब ये कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल रेड बन रही है, डरना मत, ठीक है, इससे डरना मत, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर अपना ऑर्डर ट्रिगर हुआ था, ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद बूम सीधा 1 कैंडल में, ठीक है। अभी एक कैंडल और बन जाए बस। अभी ये जो रेड कैंडल बन रही है, इससे 1% में नहीं डरना आपको, कोई बात नहीं, बनने दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगी, ठीक है। $1 में कुछ नहीं करेगी अपना, ठीक है। मार्केट को अगर भूख होगी तो ये अपना $1 खा लेगी, नहीं तो हम इससे $2 लेंगे, ठीक है। बस गाइस बस एक कैंडल का वेट और कर लो, एक कैंडल का मोटा पैसा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे एक स्पोर्ट है थोड़ा 1 मिनट का, वो उसको तंग कर रहा है, बट इस रिवर्सल से परेशान मत होना, ठीक है। अगर रिवर्सल से परेशान होगे तो कभी मोटा पैसा नहीं बना पाओगे, टारगेट तक का वेट करो अपने, ठीक है। मिनिमम 1:2 लेना है टारगेट अपने को, उससे कम नहीं लेंगे अपने, चाहे अपने को खाली आ जाना पड़े, ठीक है। अब अपना SL इसको कोस्ट पे ले आते हैं, ठीक है। कोस्ट पे ये बिल्कुल छोटा सा 0.10 का SL कर देते हैं हमें, ठीक है, 0.10 का, यानी कि 2 पिप का SL कर दिया अपनों ने, सिर्फ 2 पिप का SL। मेरे भाई गोल्ड के अंदर 2 पिप का SL कुछ नहीं होता, स्कैल्पिंग में 2 पिप क्या ही होते हैं। डर लग रहा ना, ये कैंडल डाउन साइड आ रही है, रुको वेट करो थोड़ा। वेट करो, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस और, बस थोड़ा सा, फिर देखना जलवा, पैनिक मत होना गाइस, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाली हाथ लौट जाएंगे, बस लॉस नहीं होगा अपना, ठीक है। हमारा स्टिल SL 2 पिप का है इसको, अरे इसने ब्रेक इन खा लिया, ठीक है ना, ब्रेक इन खा लिया इसके बाद, चलो कोई बात नहीं, खा लिया खा लिया। यहाँ पे एंगल्फिंग बना है कौन से 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, नहीं टारगेट मिलेगा अपने को, मैं टेंशन लूँ, ठीक है। दूसरी ट्रेड अपना टारगेट हिट कर देगी, दूसरी ट्रेड अपना टारगेट हिट कर देगी, ठीक है, कोई ना। स्टिल जिसको SL NTP का वेट करना है करो, ठीक है। अभी हम कोस्ट टू कोस्ट है बिल्कुल, नो लॉस नो प्रॉफिट। नीचे दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ना, दूसरा, ठीक है।
उसको देखना। अब यार दो मैंने स्कैल्प मारा था, एक डाउन साइड एक अप साइड, गजब का मूव दिया, इतना फास्ट मूव, हैरान हो गया मैं देख के। चलो वेट करते हैं मेरे भाई, 1 मिनट का चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा तो नहीं तो एसएल खा जाएगा, नहीं तो अपना टिपीट हो जाएगा, दो पिप का एसएल, दो पिप समझ रहे हो ना, 20 पैसे का एसएल हमारा, 20 पैसे का एसएल। काहे नोटकिंग कर रहा है, उड़ जाए यहाँ से, काहे तंग कर रहा है हमको। गाइज ये काम करो, हवा भरो इसमें। हवा भरो। अरे यार रील 6 मिनट की होती है क्या, जल्दी मैं रील बना रहा था, मैंने सोचा 2 मिनट में टारगेट हिट हो जाएगा, दो कैंडल में मज़ा नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, हमेशा रिस्क छोटा लो, बिल्कुल स्मॉल। मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा तो है, रिजेक्शन दे दिया इसके अंदर ने दोबारा इस लाइन में, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, ठीक है, हम रावण को सीता जी को ऐसे थोड़ी लेके जाने देंगे भाई। कितना अच्छा एक कैंडल और बन जाती ना, वो मेरा टारगेट हिट कर देती, ठीक है। अरे वाह क्या बात है, गजब, ठीक है, गजब गजब गजब। सुपर, अभी है ना, हाँ अभी बढ़िया है, ठीक है, अभी देखो इसके ऊपर क्लोजिंग होते हैं ना, मार्केट सीधा बूम करेगा, अपना टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है, बिना ऐसा लेट हुए, गजब, यही चाहिए था मेरे को, यही चाहिए था मेरे को, बस 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 यही, एक कैंडल और बन जाए बस ऊपर, एक कैंडल और बस, गुड, क्या बात है यार, दो पिप के असल हुए, ठीक है, देखा ना स्कैल्पिंग की पावर, बिल्कुल लाइव है मेरे गाई गाइस। अरे यार फिर रिजेक्शन दे दिया, चलो कोई बात नहीं, अपसाइड इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया 1 मिनट के अंदर, हालांकि अपने एंट्री थोड़ी सी लेट बनाई है, ठीक है, लेट वॉल्यूम आया, कोई दिक्कत नहीं, डरने कोई बात नहीं मेरे भाई, इतना वेट कर लिया थोड़ा सा और वेट कर लो, इतना वेट कर लिया तो थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। और मार्केट से फाइट भी नहीं करना मेरे भाई, ध्यान रखना मार्केट से फाइट भी नहीं करनी, फाइट समझ रहे हो, ग्रैसा लेट हो गया छोड़ दो, फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करना है, ये होती है, जस्ट 1 कैंडल और, कितना रिस्क रिवॉर्ड है इसमें, रुको मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे पूरा आपको दिखाई नहीं देगा, 1:5 के आसपास है, 1:5 के आसपास, हालांकि पहले असल थोड़ा सा बड़ा था, आधा डॉलर के आसपास था, ठीक है, अभी मैंने उसको 0.20 कर दिया, 0.20, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था बट उसने स्पाइक दे दिया ना, ये खराब कर दिया काम इसने, स्पाइक दे डाला असल, नहीं, अभी देखना है इसको। हालांकि यार मैं 2 मिनट की वीडियो बनाना चाह रहा था, कितने की बन गई, 10 मिनट की बनी, चलो कोई बात नहीं, जल्दी हिट कर दे, क्या चाहिए अब तेरे को, हमारी जान लेके मानेगा क्या, सारी हवा भरो गाइस इसमें, ठीक है, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन ये विक स्पाइक है ना, इस ये गंदा करता है हमेशा काम, स्पाइक वाला सिस्टम सी, अभी जस्ट 1 कैंडल, हाँ बस,
टारगेट से पहले नहीं हटना गाइस, कुछ भी हो जाए चाहिए, ठीक है। अभी ठीक है, अभी बढ़िया है, अभी डर नहीं है अपने को, अभी 1% भी डर नहीं है। या तो मोटा पैसा लेंगे या खाली आ जाएंगे। ये मेरे भाई गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग है, ध्यान से देखो, लाइव चार्ट चल रहा है आपके सामने, बिल्कुल लाइव चार्ट। अभी क्या करना चाहिए गाइस, बुक करना चाहिए किसको? अरे यार 2 मिनट की वीडियो 10 मिनट की बन गई, क्या चाहते है ये बच्चे की जान लेके मानेगा, पूरा खून पसीना ही कर देता है ये। अरे यार ये हैंगीमैन कहाँ बना लिया 1 मिनट के अंदर। चलो देखते हैं, जब मान लिया तो मान लिया, ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल से पहले नहीं हटना, ट्रस्ट योर सेटअप, बिलीव गाइस, बिलीव मी यार। एक कैंडल बना दे फिर मैं नहीं ट्रेड ही नहीं करूँगा आज पूरा दिन, ठीक है, बस टारगेट हिट कर दे अपना, रिवर्सल ना दे दे। रिवर्सल ना दे दे अभी देखो, अभी ये कैंडल अगर रेड क्लोज हो गया ना, मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है, समझदारी वाली बात नहीं है। 1:3 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है अपने को, 1:3 के आसपास। अभी अगर अपने लॉस बुक करेंगे तो क्या करेंगे?